सैलॉन जैसा फेशियल वो भी घर पे एंड अफोर्डेबल प्राइस में, लेकिन सैलॉन जैसा ग्लो नहीं आ पाता है। हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम कौन सा फेशियल ले, थर्ड फेशियल होता ही क्या है? तो इन सारे सवालों का जवाब है इस वीडियो के अंदर। एंड आपको अब सैलॉन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किन फ्रेंडली एंड बजट फ्रेंडली फेशियल। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या होता है कि हम घर पे करते हैं और सैलॉन में जाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि हम वही फेशियल वही ब्रांड का हम लेकर आते हैं लेकिन वो ग्लो नहीं आ पाता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम पॉइंट्स तो फॉलो करते हैं लेकिन जो हमारा जो टाइम होता है या फिर मसाज करने की जो तरीका होता है वो हम गलत ट्राई करते हैं। अगर कोई मान लो कोई मास्क है जिसको आपको 10 मिनट तक लगा के रखना है और वो 4 या 5 मिनट में अगर ड्राई हो गया है तो हम डायरेक्ट इसको वॉश कर लेंगे, हम 10 मिनट तक लगा के नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। सेकंड, हम हमारे स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल नहीं लेते हैं। थर्ड, फेशियल करने का तरीका ही नहीं पता, फर्स्ट स्टेप बाद में कर रहे हैं, सेकंड पहले कर रहे हैं, क्रीम बाद में लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। एंड फॉर गर्ल्स के लिए तो ये मेन होगा कि वो फेशियल करने के बाद ही अगर मेकअप कर लेती है तो फिर आपको फेशियल का ग्लो कैसे मिलेगा? एटलीस्ट आपको 8 to 10 आवर्स तक कोई मेकअप अप्लाई नहीं करना है फेशियल करने के बाद। अगर ये आप सारे टिप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आप जब भी फेशियल करोगे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि आपको सैलून जैसा के जैसा ग्लो मिलेगा, वो भी घर पे। यह है नेचर एसेंस फेशियल किट और इसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। इस पूरे किट को आप 3 बार यूज़ कर सकते हो एंड इसका 1 यूज़ आपको जस्ट 80 रुपीज़ का मिलेगा। इट्स सुपर अफोर्डेबल। इस स्पेशल के अंदर मैंने गोल्ड वन लिया है। ज़रूर नहीं है कि आप गोल्ड वन लो, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। इस पूरे फेशियल के अंदर आपको 5 ट्यूब मिलेगी और आपको एक एक ट्यूब यूज़ करनी है। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज़, कि स्पेशल को हम कैसे यूज़ करेंगे। फेशियल करने से पहले एक छोटी सी टिप है, जो भी आप फेस पे लगाओ वो आपको नेक पे भी लगाना है। अगर आप मसाज क्रीम लगा रहे हो, एक्सफोलिएट लगा रहे हो, पैक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आपको फेस के साथ साथ में नेक पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा फेस और नेक में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो भी फेस पे हो वही नेक पे भी होना चाहिए, इससे हमारी स्किन एक सी दिखेगी, अलग अलग नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले आपको लेना है D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क, ठीक है। ये प्री फेशियल प्रैप है, आपको इसको सबसे पहले लगा लेना है एज अ फेस मास्क और 15 मिनट तक लगा के रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन की जितनी भी टैनिंग होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी और लगाने के बाद आप 1-2 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज करना ताकि आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो सके, डिटॉक्सिफाई हो सके। एंड इसको ऊपर की तरफ मसाज करना ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सफल, सॉफ्ट एंड लूज़ नहीं हो। फेशियल के बाद में आपकी स्किन लूज़ नहीं हो, ऊपर की तरफ मसाज करनी है। एंड 15 मिनट के बाद में आपको या तो नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है या फिर वाइप ऑफ कर लेना है अच्छे से। अब बात करते हैं स्टेप वन है एक्सफोलिएट ग्लोइंग गोल्ड क्लींजिंग स्क्रब। ये एक स्क्रब है। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वाटर लेना है अपने फेस पे एंड स्क्रब लेना है। 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करनी है, एकदम रगड़ना नहीं है ज़ोर से, धीरे धीरे से मसाज करनी है। अगर आप टाइटली करोगे तो इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, छिल सकती है। आपको एकदम धीरे धीरे से मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। इससे आपके पोर्स क्लीन होंगे एंड आपकी जो फर्स्ट जो डर्ट की जो लेयर होती है, जैसे धूप पॉल्यूशन की वजह से जो स्किन डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, पोर्स के अंदर तक डर्ट चली जाती है, वो निकल जाएगी। इसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड जेंटल फील करेगी एंड आपको धीरे धीरे से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक। स्क्रब के बाद में आपको अपना चेहरा वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में टॉवल की हेल्प से उसको पैट ड्राई करना है। पैट ड्राई करने के बाद में मतलब धीरे धीरे से अच्छे से उसको ड्राई कर लेना है, एकदम से हैवीली नहीं करना है वरना स्किन छिल जाएगी। फिर उसके बाद में मूव करेंगे सेकेंड स्टेप है मसाज क्रीम, गोल्ड मसाज क्रीम। इस क्रीम को आपको लेना है एंड 15 मिनट तक अगेन अपवर्ड
डायरेक्शन में क्रीम को मसाज करनी, यानी ऊपर की तरफ, ताकि आपकी स्किन लूज नहीं हो। फिर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से आपको मसाज करनी है। जब तक क्रीम एब्जर्व ना हो जाए, आपको थर्ड स्टेप की तरफ मूव नहीं करना है। 10 से 15 मिनट तक लगा के रखना है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है। अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है? हाइड्रेटिंग जेल है। ये जेल आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड कराएगा। तो आपको क्या करना है, फिंगर टिप की हेल्प से थोड़ा सा लेना है एंड फेस एंड नेक पे अच्छे से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक। एंड डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे जाना है। चेहरा धोना नहीं है, वॉश नहीं करना है, डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे जाना है। अब हम मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे, जो कि है ग्लोइंग गोल्ड पैक। इस फेस पैक को आपको अच्छे से फेस एंड नेक दोनों पे लगाना है 10 मिनट तक। जब ये सेमी ड्राई हो जाए, मतलब जब ना ज़्यादा वेट हो ना ज़्यादा ड्राई हो, मिक्स्ड हो, उसके बाद आपको इसको अच्छे से मसाज करना है, देन वॉश करना है, ताकि अंदर तक एब्जर्व हो जाए और आपको एक अच्छा सा ग्लो मिल सके। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इस फेशियल को नाइट में ही करो, बिकॉज डे के अंदर भी धूप रहती है, जिसकी वजह से यूवी रे आपको डैमेज कर सकती है। तो मे बी आप नाइट में ही करो इस फेशियल को फॉर गुड रिजल्ट। इन फेशियल के अंदर आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, जो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सारे फेशियल के अंदर आपको एक D10 मास्क मिलेगा, जो कि आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करेगा, फिर चाहे आप कोई भी फेशियल लो। अगर मैं फ्लॉलेस पपाया किट के बारे में बात करूँ, तो इट्स गुड फॉर एक्ने स्किन टोन, जिनके भी एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए बेस्ट है। और जेंटल फ्रूट की बात करूँ, तो जेंटल फ्रूट किट इट्स गुड फॉर सेंसिटिव स्किन टोन, जिनको अलग टाइप के सूट नहीं होते तो उनके लिए बेस्ट है ये। डायमंड एंड पर्ल, ये दोनों अगर आप दुल्हन बनने जा रहे हो या फिर आपकी शादी होने वाली है, ब्राइड टू बी हो, तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप चढ़ेगा। तो ये प्री फेशियल किट है, अगर आप इसको करवा लोगे तो इससे आपके बाद में स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेकअप के बाद भी और मेकअप से पहले भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड D10 फ्री हो जाएगी। अब बात करते हैं गोल्ड वन। तो गोल्ड वन ऑल स्किन टाइप का होता है, वो सारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चल जाता है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा फेशियल करवाना है, तो आप गोल्ड वन डेफिनेटली करवा सकते हो, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है, फिर चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, या फिर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब माई चैनल।